जय श्री कृष्णा। जिसे श्री कृष्ण मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे वह बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसी एक सच्ची कथा जुड़ी है श्री कृष्ण और अर्जुन से, तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अर्जुन होता हुआ भी नहीं था, इसलिए कि उसने जो कुछ किया अर्जुन के रूप में नहीं, श्री कृष्ण के सेवक के रूप में किया। सेवक की चिंता स्वामी की चिंता बन जाती है। अर्जुन का युद्ध अपने ही पुत्र बब्रुवाहन के साथ हो गया, जिसने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। और कृष्ण दौड़े चले आए, उनके प्रिय सखा और भक्त के प्राण जो संकट में पड़ गए थे। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बब्रुवाहन ने पकड़ लिया और घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। बब्रुवाहन ने अपनी माँ चित्रांगदा को वचन दिया था कि मैं अर्जुन को युद्ध में परास्त करूँगा, क्योंकि अर्जुन चित्रांगदा से विवाह करने के बाद लौट कर नहीं आया था। और इसी बीच चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को जन्म दिया था। चित्रांगदा अर्जुन से नाराज थी और उसने अपने पुत्र को यह तो कह दिया था कि तुमने अर्जुन को परास्त करना है, लेकिन यह नहीं बताया था कि अर्जुन ही तुम्हारा पिता है। और बब्रुवाहन मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ। शस्त्र विद्या सीखी, कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किया अर्जुन के वध के लिए। और अब बब्रुवाहन ने अश्वमेघ के अश्व को पकड़ लिया, तो अर्जुन से युद्ध अस्वयंभावी हो गया। भीम को बब्रुवाहन ने मूर्छित कर दिया और फिर अर्जुन और बब्रुवाहन का भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन को परास्त कर पाना जब असंभव लगा, तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का उपयोग कर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण को पता था कि क्या होने वाला है, और जो कृष्ण को पता था वही हो गया। वे द्वारिका से भागे भागे चले आए, दाऊ को कह दिया, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जा रहा हूँ। कुंती विलाप करने लगी, भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों का बल था, आधार था, लेकिन जब अर्जुन ही न रहा तो जीने का क्या लाभ। माँ ने कहा, बेटा तुमने बीच मझधार में यह धोखा क्यों दिया। माँ बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है और तुम मुझसे पहले ही चले गए, यह हुआ कैसे, यह हुआ क्यों। जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वह यो निष्प्राण धरती पर नहीं लेट सकता, पर यह हो कैसे गया। देवी गंगा आई, कुंती को कहा, रोने से क्या फायदा, अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाड़ों की सया पर सुला दिया था। क्यों, भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे, वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, वह प्रतिज्ञाबद्ध था, लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है।
तब मैं भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग है। बब्रुवाहन ने जिस बार से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है वह कामाख्या देवी माध्यम से मैंने ही दिया था। अर्जुन को परास्त कर पाना बब्रुवाहन के लिए कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बार का प्रयोग किया और मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब क्यों रोती हो कुंती? अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था और अब उसी के पुत्र ने उसका वध किया है। अब रोने से क्या लाभ? जैसा उसने किया वैसा ही पाया। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया और प्रतिशोध शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया। हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया भीष्म की माँ अर्जुन का सिर धड़ से अलग किए जाने को अपने प्रतिशोध की पूर्ति बता रही हैं। श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके एक नज़र भर अर्जुन के शरीर को, बुआ कुंती को, पांडु पुत्रों को देखा, बब्रुवाहन और चित्रांगदा को भी देखा। कहा, गंगा मैया आप किससे प्रतिशोध की बात कर रही हैं? बुआ कुंती से, अर्जुन से या फिर एक माँ से? माँ कभी माँ से प्रतिशोध नहीं ले सकती। माँ का हृदय एक समान होता है, अर्जुन की माँ का हो या भीष्म की माँ का। आपने किस माँ से प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया उसी के पुत्र से। क्या मैंने गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। यह एक माँ का प्रतिशोध है। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया वह स्थिति भी तो पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह युद्ध में होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी और युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही बताया था। लेकिन यहाँ तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को रोका ही है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। और यदि अर्जुन यह चाहता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था? अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है। कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपके ही बाण का प्रतिशोध लेकर आपने पितामह का, अपने पुत्र का भी भला नहीं किया। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों का उसके पास जवाब नहीं था। पूछा, क्या करना चाहिए? जो होना था सो हो गया, आप ही मार्ग सुझाएं। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, उपाय तो किया ही जा सकता है, कोई रास्ता तो होता ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की वह पूरी हो गई। जो प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अब उसे वापस भी लिया जा सकता है। यदि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता? कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। गंगा की समझ में बात आ गई और माँ गंगा ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ने का मार्ग सुझा दिया। यह कृष्ण के तर्कों का कमाल था, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो, जिसने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप रखा हो, अपनी चिंताएं सौंप दी हो, अपना जीवन सौंप दिया हो, अपना सर्वस्व सौंप दिया हो, उसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण बिना बुलाए चले आते हैं। द्वारिका से चलने पर दाऊ ने कहा था, कान्हा अब अर्जुन और उसके पुत्र के बीच युद्ध है, कौरवों के साथ नहीं, फिर क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा था, दाऊ अर्जुन को पता नहीं कि वह जिससे युद्ध कर रहा है वह उसका पुत्र है, इसलिए अनर्थ हो जाएगा
और मैं अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ सकता। भगवान और भक्त का नाता ही ऐसा है, दोनों में दूरी नहीं होती। और जब भक्त के प्राण संकट में हो तो भगवान चुप नहीं बैठ सकते। अर्जुन का सारा भाव हो और कृष्ण दूर रहें, यह हो ही नहीं सकता। याद रखें, जिसे श्री कृष्ण मारना चाहें कोई बचा नहीं सकता, और जिसे वह बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन और श्री कृष्ण हैं ही एक, नर और नारायण।